अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ टोनी नवेद रशीद और ए प्लस चैनल में फिज़ा अली मॉर्निंग शो स्टार्ट करी है। और चूंकि मेरी ए प्लस चैनल से बहुत एसोसिएशन है, मेरा यहाँ पे सिटकॉम चलता है तीन पति, तो आई विश फिज़ा ऑल द बेस्ट एंड ऑल्सो बिकॉज फिज़ा इज़ अ फ्रेंड, सो लेट्स होप एंड प्रे कि शी डज द शो रियली वेल। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट फिज़ा अली, ऑल द बेस्ट फॉर द मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच। जैसे सोफिया मिर्जा कुछ गिर गया था, ये चेक कर लेना, मोबाइल ना गिराओ, बाद में तुम मुझसे मांगोगे कि टूट गया था। तीन पत्ती की टीम कितनी अच्छी है ना, देखो वैसे आप तीन पत्ती की क्या बात है। तीन पत्ती के अलावा भी कुछ बता दे, आज जो प्ले ऑनियर हो रहा है वो भी तो आपका ही बताया तो है। बस उसके बारे में आपने ये भी इशारा दिया था, हाँ, मुझे, वो मैं कैसे बोलूं, वो बस देख ये क्या था, ऐसे बता दो ना, कुछ भी नहीं, आपको अल्लाह का बाद में ना करें, आप पूछे बता देना। ओए होए, अब तो बताने पड़े खाली, मुझे हंसने ही नहीं देते यार। अच्छा है, कुछ नहीं, वैसे ही मैंने कहा था। कैसे मतलब, मुझे समझ नहीं आया, वैसे मतलब कैसे बहुत अच्छा था ना, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती उसको, अब बजाना था। अच्छा जी, आप से आते हैं क्योंकि अब हम दिखाने जा रहे हैं नाज़रीन को हमारा वो लुक जो पूरा हमने वीडियो सुबह सुबह शुरू होता था, सुबह सुबह 6 बजे शुरू होता था, रोज सुबह सुबह खावर भाई के नाश्ते खा के मैं खत्म कर देती थी, अंडे रोज सुबह सुबह अंडे लेने भेज देते थे, मैं अंडे बॉईल करवा करवा के खाती थी। और फिज़ा उसमें साइकिल भी चला रही है, साइकिल, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गधा गाड़ी और क्या, रिक्शे, तो पहले हम जाके वीडियो की एक पूरा लुक देखते हैं, उसके बाद आके बात करते हैं। Thank you.
और गाना भी खुद ही गाया और गाना भी खुद ही गा लिया। और राहत फतेह अली जी का क्रेडिट है कि उन्होंने गवा लिया और बहुत प्यारी कॉम्पोजिशन दी, क्योंकि सारी कॉम्पोजिशन राहत फतेह अली खान साहब ने दी है। और इसके बारे में भी हम नदीम साहब से भी बात करेंगे, मगर पहले हम फिजा मुझे ये बताओ तुम्हारे अंदर इतनी लाइफ कहाँ से आ जाती है? मेरे अंदर लाइफ कहाँ से आ जाती है? तुम्हारे अंदर बहुत लाइफ है, मैंने तुम्हें कभी गुस्से में नहीं देखा, कभी किसी को झड़कते नहीं देखा, हमेशा सिचुएशन को हैंडल करती हूँ। हाँ, गुस्सा नहीं आता, ये बड़ा अंदर की जो औरत है वो किधर है? अंदर की औरत क्या मतलब? औरतों को गुस्सा आता है क्या मतलब? नहीं औरत, अच्छा लड़की 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 नुमा औरत, लड़की नुमा औरत नहीं, औरत भी चलेगा लड़की भी चलेगा। मगर वैसे अम्मी वैसे कहती थी मेरी कि जब शादी हो जाए या शादी ना भी हो तो लड़की, वैसे तो 15 साल में भी शादी हो जाए तो वो लड़की औरत हो जाती है। तो मैं पूछा था सिचुएशन कैसे कंट्रोल करती हूँ। सिचुएशन ऐसे कंट्रोल करती हूँ कि बचपन से ट्रेनिंग ऐसी अम्मी की कि मुझे मेरी पूरी फैमिली में किसी को गुस्सा नहीं आता सिवाय मेरे भाई को। अच्छा। उसको आता था तो घर के बर्तन फेंक देता था, वो चीख हम चिल्ला करता था, हम सीढ़ियों पर अगर खड़े हो जाए और उसकी चीख सुन ले तो वहीं से गिर जाता था लुढ़क कर। अपने घर के सात लोकेशंस थी आपको, रोज हम टेंशन दे रहे होते थे आज ये लुक है आज वो, इस तरह का है मेकअप। और आपकी काफी टीम में आपको काफी लोग तंग भी करते थे कि बोलते थे सुबह पहुंच जाएंगे और सुबह आते नहीं थे, और सारी टेंशन आपके सर पे होती थी क्योंकि 6 बजे 5 बजे उठना कोई इजी बात नहीं थी, हमें सुबह सुबह की किरणें चाहिए थी, तो वो किरणें तो चुराने के लिए जो हमने एफर्ट की उसमें आपका बड़ा साथ था। नहीं बस वो जो एक कहते हैं ना स्टोरी पे चलती है तो फिर चलती आती और वो एक चीज समझ आ गई थी कि पूरे रंग दिखाने, 7 रंग जो होते हैं ना, कहते हैं 7 रंग के सपने, 7 रंग के सपने और फिजा और फिर शोखियाँ और सब कुछ, तो उसमें जाहिर है हर चीज़ बहुत लाउड दिखानी थी और जो कि लोगों को पसंद भी आ रही है और खुद ब खुद ही होता चला गया। मेरी टीम ने मेरे साथ काफी एफर्ट की, तुम्हारे साथ तुमने इतना तावुन किया। I know, दो तुम्हारे बच्चे आपके जाते थे मेकअप के लिए, दो बच्चे, उन्होंने बड़ी मेहनत की। वैसे मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूँ, एहसान मेरे ख्याल से तो मैं नहीं चुका सकती क्योंकि मैं घर बैठ जाती हूँ जब भी तो खावर भाई जो है वो जिंदा करते हैं। आपने आज बात की थी ना जिंदा करने की, आप करते हैं। फिजा आ जाओ ग्लैमर पे शूट। वैसे अभी ब्रांड्स के नाम नहीं ले, मगर बात यह है कि बुला लेते, जिंदा कर लेते। बल्कि मैं नसीहत करूँगा हर लड़की को कि उसके अंदर तुम्हारी जैसी लाइफ होनी चाहिए, मतलब चाहे जितनी मर्जी मुश्किल सिचुएशंस हो, जो मर्जी हो, लेकिन आप बस ऊपर से हंसते मुस्कुराते नहीं ताकि किसी को पता नहीं चले कि अंदर कौन सा रंग है। ये अच्छी बात की, ये बहुत जरूरी है। और जिस इंसान के अंदर ये क्वालिटी पैदा हो जाए वो बस हर सिचुएशन में जिंदा रह जाते हैं। आई होप कि तुम ये प्रोग्राम जो इसी तरह इसी जिंदगी के साथ इसको आगे लेके जाओगे और इस प्रोग्राम को एक नई जिंदगी दोगी। और ये जो ए प्लस का एक मसला जी रेटिंग का मसला, तो वो फिर रेट यहाँ से यहाँ चला जाएगा। सब्जी का रेट नहीं, ये सब्जी का रेट नहीं वो खास तौर पे मूलियों का रेट नहीं है, इनको शायद पता नहीं चलता कि हंसना किधर है रोना किधर है। हमेशा देखे हमारी बेइज्जती करा रहे थे, मगर मेरे मेहमानों की बड़ी इज्जत रखनी है आपने। कोई स्पेशल दुआ देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी दुआ के साथ मैं समझूंगी कि मैं ब्रेक लूँ और ब्रेक के बाद फिर हमें टाटा करना है खावर भाई को, तो ब्रेक जो है वो मेरे ख्याल से खावर भाई ले और उसके बाद फिर मेरे जो बाकी गेस्ट हैं वो उनके साथ चिट चैट चलेगी। तो आइए जी, अब आपकी ब्रेक की बारी है, पहले आप दुआ लेंगे अच्छी सी और देंगे भी। और अच्छा, तुम क्या दुआ दे रही हो मुझे? आप ये कि आप सारी ज़िंदगी इसी तरह खुश रहें, इसी तरह लोगों को बनाते रहें, जिंदा करते रहें और उनमें एक एनर्जी डालें। और मैं चाहूँगा कि हमारे मुल्क की जितनी ख़वातीन हैं वो सुबह जल्दी उठें और ताकि अपने बच्चों को भी सुबह उठने की आदत डालें और ये प्रोग्राम देखें और लोगों में ज़िंदगी आए। Thank you so much. Now your time to take a break with me. So we'll see you after our break. Yes. Woo!
फिजा।